हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। याद रखिए, आपके हम लोग प्रधानमंत्रियों के बारे में भी जान चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सबकी बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की हुई है। उसके बाद जो भी आपके चर्चा में व्यक्ति रहते हैं उनकी बायोग्राफी भी हम लोग देखते रहते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगाकर आपके राष्ट्रपतियों से लगाकर आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी आपकी नीलम संजीव संजीव रेड्डी साहब के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। तो जो बायोग्राफी जीवनी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में सभी बायोग्राफियाँ डली हुई हैं। ठीक है, ये इनकी पिक है, ज्ञानी जैल सिंह की पिक्स है, देख लीजिए आप लोग। ये थे हमारे राष्ट्रपति। आज की इनकी कहानी बड़ी ही रोचक रहने वाली है। श्री ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। यह बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते थे। इनका राष्ट्रपति बनने का एक साधारण इंसान के लिए चक्रवर्ती सम्राट बनने जैसा ही अनुभव कहा जाना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई राष्ट्राध्यक्ष हुए जिन्होंने पृथ्वी से लेकर क्षितिज तक को स्पर्श करने में सफलता प्राप्त की है। ज्ञानी जैल सिंह भी उन्हीं लोगों में की कतार में नजर आते हैं। कुछ लोग स्वयं सिद्ध होते हैं और उन्हें भाग्य का सहारा भी प्राप्त होता है। क्या आप लोग भाग्य को मानते हैं? अपना जवाब जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप भाग्य किस्मत को अभी भी मानते हैं? एस और नो में आपको आंसर देना है। ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही व्यक्ति थे। ज्ञानी जैल सिंह गरीब, कमजोर, दबे कुचले व्यक्तियों के मसीहा बनकर अवतरित हुए तथा अपने सेवाक्रम को सैड़ी बनाकर राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने में सफल भी रहे। लेकिन परम पद पाने के बावजूद वह सीढ़ी के उस प्राथमिक हिस्से नहीं भूले जिसके निकट इनका जीवन गुजरा है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा। क्या याद रखा करिएगा? अपनी पुरानी परिस्थिति कभी मत भूला करिएगा। जो हमारी पुरानी औकात थी, अगर हमारी औकात 10 रुपये में पलने की हुई तो उसी 10 रुपये की याद रख लिया करिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा भी कोई इंसानियत है। इसलिए अपने औकात को भूल मत जाया करिएगा कि हम जिस स्थिति में पैदा हुए हैं, जिस स्थिति में पले पोसे, उसे ही कभी नहीं भूलना चाहिए। कई महान व्यक्तियों के बारे में मैं सुनता हूँ। एक तो आपके अमिताभ बच्चन, अभी भी बोलते हैं अमिताभ बच्चन की, वो जब बचपन में जहाँ से उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया तो वहाँ भुंडे, ये आपके यहाँ मक्के का वो होता है, इसे भूंज कर खाया जाता था। तो बताते हैं कि वो ठेला लगा रहता था वहाँ, खाने जाते थे बचपन में ही, तो अभी भी जाते हैं वहाँ, बोलते हैं उसे भूलना नहीं चाहता हूँ। तो कभी अपनी पुरानी स्थितियों को मत भूला करिएगा। लेकिन अधिकतर लोगों का क्या रहता है कि दो चार सफलताएं पाई और अपनी पुरानी औकात भूल कर नई औकात में जीने लगते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है। अब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर मत लिया करिएगा ये मेरे सब। कई ऐसे लड़कों को, लड़कियों को भी मैं जानता हूँ कि जो गरीबी में पले पोसे, मतलब उनका पालन पोषण गरीबी में हुआ, आज उन्हें गाय हो फिर या किसी पशु के गोबर, यानी कि उनके गोबर से बदबू आती है, समझ रहे हैं? उसे हाथ लगाने में उनकी माँ उसका काम कर रही है, उस गाय की सेवा कर रहे हैं, वो जाएंगे तो उन्हें बदबू आएगी। खेतों में काम करते वक्त अगर कोई लोटा उठाने के लिए कह दे तो उन्हें शर्म आती है। तो कभी ये मत सोचा करिएगा, ठीक है? अपना काम है, करिएगा, उसे भी करेगा। अगर मेरे बाप किसान है तो बोलिए खुल कर कि मेरा बाप किसान है, उसमें शक कौन सा है? कोई हमें देने थोड़ी आ रहा है अगर हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की औलाद हूँ। इसलिए जो हकीकत है उसी में जिया करिएगा। अभी मैं कल ही कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था कि अगर हम डर कर इसलिए जी रहे हैं इस समय क्योंकि हम हकीकत में जीना भूल गए।
उनका कहने का मतलब ये था कि हमें पता ही नहीं है कि हम आखिर जी किस लिए लें, इसीलिए हमें डर सताया रहता है हर समय। मैं तो कहता हूँ ऐसा जिया जियो कि कल सामने भी अगर मौत खड़ी हो तो हमें कोई शिकायत ना हो उससे। समझ सकते हैं, आज का काम आज खत्म करो ना, वो संतुष्टि होनी चाहिए आपके अंदर। आपके पास 10 रुपये हैं तो उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि आप अगर सोचते भी हैं कुछ 10,000 का 50,000 के बारे में तो आपके पास आ नहीं रहे हैं उस समय, तो उस समय आप 10 रुपये से ही अपना खर्च चलाइए, ठीक है, उतने में ही भरण पोषण कीजिए। तो इनका भी आपका ज्ञानी जल सिंह का यही रहा कि वो अपनी पुरानी स्थिति को कभी भूले नहीं है, इसीलिए गरीब जो तबका है नीचे का उनके लिए जीते रहे, उनके लिए काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने देखी थी वो परिस्थिति। ठीक है, इनका कर्मस्थल फरीदकोट जिले का गांव सांदवान था। पंजाब के इस छोटे से गांव में इनका मिट्टी का मकान था, लेकिन इस मकान की मिट्टी की महक के लिए जल सिंह नामक एक बालक भारत का राष्ट्रपति बनकर प्रथम नागरिक के पहल महल तक पहुंच जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को हमारे भारत भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, फिर चाहे आपके बाल लाल बहादुर शास्त्री हो, कोई भी हो, उनकी भी बड़ी रोचक कहानी है लाल बहादुर शास्त्री साहब की। वो इतने ईमानदार थे कि अपने जिंदगी में एक कार खरीदने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, जब उनके बच्चों ने जिद की तब उन्होंने कार खरीदी। उसका मरने के बाद उनका इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका वो बकाया जो भी पैसा बचा था उसका ऋण का, वो माफ़ किया गया, आप समझ सकते हैं। और आज अगर एक सरपंच भी बन जाता है कोई तो एक फॉर्च्यूनर खरीद लेता है 1 साल की कमाई में, इतने ईमानदार हमारे यहाँ नेता हुए हैं। पहले लोग हकीकत में जिया करते थे, अब आप भी समझ सकते हैं कि 135-40 के करोड़ के करीब आपकी जनसंख्या जा रही है, कितने को लोगों को आप याद करते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ज्ञानी जल सिंह के बारे में, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके कर्म अच्छे रहे हैं, इन्होंने कुछ किया है, तभी तो इनके इतिहास के बारे लिखा गया है इनके बारे में। और हम में से 135 करोड़ में से अगर 5-10 का भी, 135 का भी इतिहास लिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए कुछ किया करिएगा, अपने आप में सोच लिया करिएगा। मैं बोलता हूँ हमेशा कि 24 घंटा मिलते हैं आपको डेली, उसमें से 15-20 मिनट अपने आप से मिल लिया करिएगा अकेले में, बिल्कुल फ़ोन मोन फेंक कर, क्योंकि जब हम फ़ोन अपने सामने रखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और फ़ोन को कम ही यूज किया करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम खाली रहते हैं तब तो हमारे दिमाग में आता है कि हम गलत हैं या सही हैं, सही रास्तों पर चल रहे हैं या गलत रास्तों पर चल रहे हैं। जब हम फ़ोन में लगे रहते हैं 24 घंटा किसी काम में तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि सोच पाते हैं हम कि सही चल रहे हैं या गलत। और एक कुत्ते को देखा होगा आपने, वो जिस तरह एक हड्डी के पीछे भागता रहता है उसी तरह इंसान की हालत हो चुकी है कि एक हड्डी के पीछे भाग रहा हुआ है, सफलता सफलता तरक्की, उसे मरते दम तक पता नहीं चलता है कि आखिर जिंदा किस लिए हुआ है और मरा किस लिए। ठीक है, कुछ ऐसा कर जाइए कि इतिहास में आप भी लिखें लिखे जाएं और आपकी बारे में भी लोग इसी तरह बोलें पढ़ें। चलिए हम लोग जानते हैं ज्ञानी जल सिंह का प्रारंभिक जीवन क्या रहा है, इनकी पृष्ठभूमि। ज्ञानी जल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को होता है, कब? 5 मई 1916 को। इसी दिन काल मार्क्स 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 का भी जन्म होता है। काल मार्क्स, इन्हें समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, किन्हें? काल मार्क्स को याद रखिए। तो उसी दिन आपके ज्ञानी जल सिंह धरती पर आते हैं, उसी दिन काल मार्क्स का भी जन्म होता है। ज्ञानी जल सिंह के परदादा दादा जो थे सरदार बुद्ध सिंह, ने अपनी आजीविका हेतु कृषि को अवलंब बनाया। आने वाली पुस्तों द्वारा भी यह कार्य किया जाता रहा है, लेकिन उन दिनों कृषि का उत्पादन इतना नहीं होता था कि कृषक अन्य गतिविधियां संपन्न किए बिना परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके लिए कई कृषक परिवार कोई सहायक व्यापारिक कार्य भी करते थे। ज्ञानी जल सिंह दादा दादा सरदार राम सिंह का एक शिल्पकार थे,
उनका संबंध विश्वकर्मा बंसी परिवार से था। किनका? ज्ञानी जल सिंह का। लेकिन इनके परिवार ने बाद में सिख धर्म अपना लिया था। इस प्रकार के परिवारों को पंजाब में रामगढ़िया का संबोधन किया जाता था, यानी कि रामगढ़िया के शब्द से यूज किया जाता था इनके लिए। ठीक है। सरदार राम सिंह के 5 पुत्र और 1 पुत्री के पिता बने। कौन? राम सिंह। इनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था किशन सिंह। किशन सिंह को पुरखों की जमीन से 56 एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जो सागवान गांव में स्थित थी। किशन सिंह को 3 शादियां करनी पड़ी। इनकी प्रथम पत्नी का नाम था दया। किनके? इनके ज्ञानी जेल सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। इनकी 3 शादियां की इन्होंने। इनके प्रथम पत्नी का नाम था दया, दूसरी जो पत्नी थी इनका नाम था मारिया, और तीसरी पत्नी थी जिनका नाम था इंदी कौर। ये तीनों पंजाब सिंह की पुत्रियां। शादी के कुछ वर्षों बाद जब इन्हें प्रथम पत्नी दया कौर से कोई संतान नहीं हुई, तो इनका विवाह दूसरी बहन मारिया से कौर से हुआ। लेकिन मारिया कौर की सीख मृत्यु हो जाती है। फिर इनका विवाह इंद्री कौर से के साथ संपन्न हुआ, यानी कि पहले बड़ी बहन के साथ ब्याह शादी होती है इनकी, सिंह जो पंजाब के सिंह थे, इनकी पुत्रियों में बड़ी बेटी से होती है। फिर उसके कोई बच्चे संतान नहीं होती है उससे, तो दूसरी बेटी से शादी हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि निर्धन हो जाता है। तो तीसरी छोटी बेटी से होती है इंदी कौर से। इंदी कौर से उन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त होती है, यानी कि ज्ञानी जल सिंह 3 भाई और 1 बहन थे। ज्ञानी जल सिंह संततियों में से एक थे, यानी कि इन्हों में से चारों में से एक थे। यह सबसे छोटे पुत्र थे। तीसरी संतान के रूप में इनकी बहन थी। ये सबसे छोटे पुत्र थे। क्या थे? अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। ज्ञानी जैल सिंह सबसे छोटे पुत्र होने के कारण परिवार में सभी के दुलारे और माता के विशेष लाडले थे। लेकिन श्री जैल सिंह की माता की असामयिक मृत्यु उस समय हो गई जब इनकी उम्र मात्र 11 महीने थी, यानी कि इनका जन्म होने के 11 महीने बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है। ऐसे में इनका लालन पोषण सगी मौसी और सौतेली माँ दया कौर ने किया, इनकी मौसी ने। श्रीमती दया कौर मासूम जल सिंह को इतना प्रेम आसर दिया कि 13 वर्ष की उम्र तक इन्हें यह नहीं मालूम हो सका कि दया और कौर सगी माँ हैं या नहीं। यानी कि पहले के लोग भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। अब सोचिए 13 साल की उम्र तक ज्ञानी जल सिंह को ये पता नहीं चला कि उनकी माँ यही है या दूसरी थी। ठीक है। इनके जो पिता थे किशन सिंह सिख धर्म से इस हद तक प्रभावित थे कि उन्होंने घर के एक कमरे को गुरुद्वारा बना लिया था। इन्होंने देखिए सिख धर्म को अपनाया, लेकिन सिख धर्म को इस तरह अपनाया, इतना मानने लगे कि अपने घर में एक गुरुद्वारा बना लिया। छत पर सिख धर्म का पवित्र निशान फहराता रहता था और घर में प्रतिदिन कीर्तन आदि का आयोजन भी किया जाता था। श्री जैल सिंह जब 5 वर्ष के थे तभी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया करते थे। जैल सिंह सदैव जातिवाद का विरोध किया करते थे। जातिवाद, हम में से अधिकतर आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, हम लोग भी लगे रहते हैं जातिवाद करने के लिए कि अच्छा हो रहा है, ये पंडित, ये यादव, ये जाति, हो जाती है बामन, ये ठाकुर, ये गुर्जर। याद रखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लड़ते रहते हैं, वहाँ नेता इसका फायदा उठाते हैं। क्या मिलता है? कभी अपने कर्मों को सोचा है? अगर भगवान को, या तो मानिए मत भगवान को, ठीक है, अगर मानते हो तो उनसे तो डरिए कम से कम। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी धर्म को नीचा दिखाइए,
या किसी के धर्म को गाली दीजिए, किसी को नीचा दिखाइए, किराइए, किसी के साथ मारपीट कीजिए, तो इंसान बनकर रहिए। मैं इतना कर सकता हूँ, 80-85% लोग मुर्दा बनकर जी रहे हैं इस समय, कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं जिंदगी में, बस एक दूसरे से जलन जलन जलन। कभी अपने आप से मिल लिया करिएगा यार, 24 घंटे मिलते हैं डेली, उसमें से 24 मिनट भी अपने आप को निकाल कर देख लिया करिएगा कि कहाँ जा रहे हो, जिंदा हो या मर चुके हो। सांस चलने से कोई जिंदा नहीं रहता, यानी कि सांस चल रही है। तुमसे बेहतर और हमसे बेहतर तो जानवर है जो अपना धर्म निभा रहा है भाई, कि अगर गाय को पालते हैं अपन तो वो दूध दे रही है बदले में, यानी कि वो अपना धर्म निभा रही है, लेकिन हम कहाँ धर्म निभा रहे हैं। वह मानते थे, यानी कि ज्ञानी जल सिंह मानते थे कि गुरुओं की शिक्षा सभी को समान रूप से पोषित करती है और सभी को एक समान देखे जाने की बात भी कहती है। जैल सिंह मानते थे कि एक ही ईश्वर गुरुद्वार, मंदिर और मस्जिद में निवास करता है। बचपन में इनका यह नियम था कि घर के गुरुद्वारे वाले कमरे में जाकर एक घंटे तक गुरु ग्रंथ साहिब के शिक्षा श्लोकों को उच्चारित करते थे। बचपन के संस्कार इतने गहरे थे कि जब जैल सिंह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति भवन में रहने लगे तो गुरु ग्रंथ साहिब को परंपरागत रूप से अपने सिर पर धारण करके वहां से पूजा गृह तक ले गए। ज्ञानी जैल सिंह ने उर्दू माध्यम वाले स्कूल से 1930 में 8वीं की कक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि उर्दू में इनका इंटरेस्ट था। फिर पिता की राय से गुरुमुखी पढ़ने लगे। इसी बीच में वे एक परमहंस साधु के संपर्क में आए। 2.5 वर्ष तक उसने बहुत कुछ सीखने पढ़ने को मिला उनसे। फिर गाना बजाना सीखने की धुन सवार हुई इन्हों पर, यानी कि ज्ञानी जैन सिंह पर। एक हारमोनियम बजाने वाले कपड़े धोकर उनको खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे, यानी कि उनकी सेवा के बदले वो इन्हें हारमोनियम सिखाने लगे। पिता ने राय दी कि तुम्हें गाना आता है तो कीर्तन करो, गुरुवाणी का पाठ करो। इस पर जनरल सिंह ने ग्रंथी बनने का निश्चय किया। स्कूली शिक्षा छूटी और वे गुरु ग्रंथ साहिब के व्यवहारिक वाचक बन गए। इसी से ज्ञानी की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। अंग्रेजों द्वारा कृपाण पर रोक लगाने के विरोध में जैल सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। वहां उन्होंने अपना नाम जैल सिंह लिखवा दिया। छूटने पर यह जैल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अभी कल ही की बात है, मैंने एक वीडियो शेयर किया फेसबुक पर, पेज पर अपने, वहाँ दिखाया गया है कि एक, यहीं मैंने देखा एक जगह, वहाँ वो अपनी माँ को कुछ सामान भेजने के लिए बाहर, इस समय कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है तो सबको बोल दिया गया कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिए। और वो बड़े लोग हैं, कोई मतलब कमज़ोर नहीं है आर्थिक स्थिति में, फिर भी वो अपनी माँ को, बूढ़ी जो 60+ उम्र उनकी होगी, आराम से आप लोग भी जाकर देखें वहाँ, तो वो भेज रहे हैं सामान लेने के लिए डेली, कोई प्रोटेक्शन में, यानी कि उसे मास्क नहीं लगाया जा रहा है उसके लिए, ना उसका कोई ख्याल रखा जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि हम डर रहे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, इसलिए उस बूढ़ी माँ को भेज रहे हैं। मैंने फेसबुक पर डाला तो कोई कमेंट लिख रहा है करके कि उन्हें भी तो भेजना चाहिए बाहर, बूढ़े माँ बाप हैं तो क्या हुआ, वो भी तो घर में रहते हैं, इस तरह का उल्टा सीधा कमेंट लिखते हैं। अभी तुम लोग जीते हो या क्या करते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा हूँ, कभी कम से कम उसे सुन तो लिया करिएगा अच्छे से। मैं भी जानता हूं कि वो माँ बाप हैं सब, इंसान हो, अपने आप को किस तरह से इंसान मानते हो। आज समझ लीजिए, जो कर्म आज हम कर रहे हैं आगे हमें भी देखने को मिलेंगे। हम भी तो कभी माँ बाप बनेंगे,
बूढ़े भी होंगे, ये भूलिए मत अपनी औकात, तब पता चलेगा तुम्हें कि घर से बाहर निकलना विपत्ति में माँ बाप को कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है, क्या बीतती है। अब ज्ञानी जल सिंह का हम लोग राजनीतिक करियर देखते हैं, यानी कि राजनीति में इनका करियर क्या रहा है। ज्ञानी जल सिंह बचपन से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए जागरूक थे। उन्होंने प्रजामंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन भी किया था, जो भारतीय कांग्रेस के साथ संबद्ध होकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी। इनकी पार्टी ब्रिटिशों ने उनके उनको जेल भेज दिया था, ज्ञानी जल सिंह को। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जल सिंह से जेल सिंह कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात ज्ञानी जल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बनाए गए, यानी कि वित्त मंत्री बनाए गए। 1951 में उनको कृषि मंत्री बनाया गया। 1956 से 1962 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1972 से 1977 तक ज्ञानी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में जब इंदिरा जी की पुनः सत्ता आई तो उन्होंने ज्ञानी जल सिंह को गृह मंत्री बनाया। 1982 में श्री नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने पर ज्ञानी जी को देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यह 8वां राष्ट्रपति चुनने का कहने का मतलब है व्यक्ति के रूप में वो 7वें थे, लेकिन पद के यानी कि कार्यकाल के रूप में उनका 8वां था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 25 जुलाई 1982 को उन्होंने पद की शपथ ली। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में अगर की प्रमुख घटनाओं की बात करें हम लोग तो बहुत सी घटनाएं घटी, जिनमें आपकी मुख्य रही है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या थी? ये भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब भारत के पंजाब में स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, फिर आपकी इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी की हत्या होती है आपकी 31 अक्टूबर 1984 को। इनके जो अंगरक्षक थे यानी कि सिक्योरिटी गार्ड थे सदवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही। ठीक, उसके बाद आपके सिख दंगे इन्हीं के समय में होते हैं 1984 में। भारतीय सिखों के विरुद्ध दंगे जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे, क्योंकि इनकी हत्या करने वाले दोनों व्यक्ति सिख थे। इन दंगों में आपके कम से कम 3,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी। कितनी? 3,000+। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी को इन्होंने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। यद्यपि अंतिम दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार आने लगे थे, पर ज्ञानी जल सिंह ने अपना संतुलन बनाए रखे और 25 जुलाई 1987 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया। और अंतिम यात्रा की इनकी बात करें तो 29 नवंबर 1994 को रोपड़ जिले के कितारपुर के पास से यात्रा करते समय एक ट्रक गलत साइड से आ रहा था और कार में यात्रा कर रहे जल सिंह की कार ट्रक से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद जल बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत सी चोट भी लगी थी और 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में उपचार के दौरान उनका देहांत हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। दिल्ली के राजघाट मेमोरियल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी याद में बाद में भारतीय पोस्ट विभाग ने 1995 में सिंह की पहली मृत्यु एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया था, स्टाम्प भी जारी किया था। तो ये थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। इनके बाद आएंगे आपके
हमारे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन साहब। तो उनके इंतज़ार करिए, अगले संडे के तक उनका भी हम लोग जीवन परिचय देख लेंगे। याद रखिए, मेरा गुस्सा होने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कम से कम इंसान बनकर तो रहिए। आप लोग जहाँ देखिए, जहाँ अपना ज्ञान बताने लगते हैं, अरे कम से कम उस सामने वाले का पूरा सुन तो लिया करिएगा, उसके बाद तो बोला करिएगा। और बोलने से पहले, इस तरह के कमेंट लिखने से पहले सोच भी लिया करिएगा थोड़ा बहुत। मुझे पता है कि कितना ज्ञान भरा पड़ा होगा लोगों में। इस टाइम की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमसे समझदार कोई दूसरा नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ। और यही गलतफहमी उन्हें मौत के मुँह तक जब तक नहीं पहुँच जाते तब तक बनी रहती है। तो बोलने से ज़्यादा सुनने पर भरोसा किया करिएगा, यानी कि बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ कर भी सकते हैं। समझ सकते हैं? तो चलिए ठीक है, इंतज़ार करिए अगले राष्ट्रपति का, हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे।